आलिया भट्ट को तो साइड रोल दे रखा था उन्होंने हर दो दो मिनट का। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लेट्स काउंट किलोमीटर्स में। और आज नवरात्रि है तो हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। माँ वैष्णो देवी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। और आज सैटरडे भी है तो हमारा ये प्लान है कि यार, हमारा प्लान तो घर पे रहने का ही था, बट पिछले कई एक दो महीने से हमारा सैटरडे संडे थोड़ा बिजी निकल रहा है, तो ना तो हम कहीं बाहर जा पा रहे हैं ना मूवीज जा पा रहे हैं देखने। तो आज मैंने ये सोचा है कि क्यों ना बिना बताए डॉली को मैं मूवी का प्लान कर लूँ, मूवी की टिकट्स बुक कर लूँ और शाम को उसके लिए एक सरप्राइज हो जाए। तो गाइस पहले करते हैं मूवी की टिकट बुक, उसके बाद डॉली को बोलते हैं रेडी होने के लिए और शाम को हम जाएंगे फिर मूवी टाइम। हमें मूवी देखनी कहाँ पर डिपेंड ये करता है यार, सबसे पास जो हमारे घर के पास होगा कि हम आके तो रेस्ट भी कर सके, हमें उसी हिसाब से टिकट बुक करनी पड़ेगी। इवनिंग का हमें शो चाहिए, टिकट हो गई बुक और हमने जो टिकटें बुक करी हैं वो करी हैं तीन, तो हम तीन लोग जा रहे हैं। तीसरा कौन है वो आपको वहीं पे पता चल जाएगा। डालेंगे अपनी ईमेल आईडी
फोन नंबर कंटिन्यू, पेमेंट मोड पेमेंट सक्सेसफुल 7:30 बजे का शो और हमारी बुकिंग हो चुकी है। तो आज हम देखेंगे RRR 7:30 टिकट बुक हो गई और एक के बजाय तीन तीन, एंड तीसरा कौन आ रहा है वो हम आपको इवनिंग में बताएंगे मिलके कि तीसरा कौन आ रहा है हमारे साथ मूवी देखने के लिए। और अभी चलते हैं, डॉली को बोलते हैं कि वो शाम को रेडी रहे। डॉली शाम को ना बाहर जा रहे हैं। अच्छा, शाम को बाहर जा रहे हैं हम। अच्छा, रेडी हो जाना। कहाँ जा रहे हैं पहले बताओ, रेडी हो जाओगे? क्यों? पजामा पहन लूँ। पजामा नहीं पहन, रेडी होना है अच्छे से। अच्छे से क्यों? बारात में जाना है किसी की? हाँ, बारात में जाना है। किसकी बारात में? अरे चलेंगे ना सैटरडे, प्लीज। कहाँ जाना है भाई? बाहर चलेंगे, बाहर घूमने चलेंगे। हाँ। तो आप रेडी हो जाना ना। बना क्या रही हो? मैं नारियल सही नहीं? ठीक है, रेडी हो जाना। आपको पार्लर वाले जाना है तो चले जाना, शाम को फिर हम घूमने चलेंगे। अच्छा, मैं बड़े पार्लर जाती हूँ, पार्लर जाना है तो। हाँ। मैं बड़े पार्लर जाती हूँ। चलोगे ना? चलो ठीक है, आप ना 5:30 बजे के आसपास निकलेंगे तो प्लीज तब तक ना रेडी हो जाना, मैं बाकी का काम। कहाँ जाना है भाई 5:30 बजे? बताऊंगा नहीं कहाँ जाना है। यहाँ पे एक वेब सीरीज भी चल रही है घर में आज। मम्मी कौन सी है? ह्यूमन। ह्यूमन नहीं दिखाऊंगा यार, कॉपीराइट आ जाएगा। हेलो एवरीवन, यार डॉली आ गई है रेडी होके। अभी तक डॉली को नहीं आइडिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने बस रेडी करवाया, मैंने कहा जल्दी तैयार हो जाओ घूमने जाना है। और साथ में उनकी फ्रेंड है सपना, वो भी आए हैं। अब चल के पूछते हैं डॉली से, भाई मेट्रो जा रहे हैं, डॉली तैयार हो गए तो आगे हो, जा जा रहे हैं। मुझे लग रहा है मॉल लेके जा रहे हो। मॉल कौन से? क्या पता कहीं मॉल लेके जा रहे हो। इनको तो पता है, इनको बता दिया था, इनके लिए थोड़ा सरप्राइज है। चलो मेट्रो में बैठते हैं, लेट हो गया एक्चुअली हम। जैसे कि डॉली को तो पता नहीं था कि हम मूवी जा रहे हैं, तो डॉली तो भाई अपने हिसाब से तैयार हुई, मैं अपने हिसाब से हुआ। वो तो कपड़े मैंने प्रेस करे थे इसलिए मैचिंग हो गया ना। और टाइम यार 7:11 हो गए हैं और मूवी टाइम है 7:30 बजे का और हम लेट हो गए हैं 15 मिनट, हमें भागना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं राजौरी गार्डन बाय मेट्रो, यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है, 20 मिनट लगने वाले हैं, उसके बाद हम पहुंचेंगे और 7:30 बजे का शो है। डॉली के लिए कम्प्लीटली सरप्राइज, पता ही नहीं था सुबह से। और ये मेरी फ्रेंड है सपना, और मेरी फ्रेंड ने भी सरप्राइज दिया। दैट्स वेरी नाइस। चलो मिलते हैं सीधे मूवी में।
बस अब दरवाजा खुलेगा और हम भागेंगे ठीक है यार, ये मूवी भी देखनी है मुझे। भागो भागो, गलत चले गए हम, गलत भागो। हम हो गए लेट और हमें पहुंचना है वेव, जस्ट अभी मेट्रो से बाहर आए हैं। ये कैसा ही सरप्राइज हो गया यार, हम मूवी टाइम पे मतलब मूवी में टाइम सिर्फ पहुंच ही नहीं पाए, टोटल 7:30 हो गए हैं और सबसे ज्यादा टाइम साइलेंट लगाया रेडियो ने। मुझे पता था टाइमिंग का, सब कुछ पता था, उसके बाद भी हम लेट हो गए और सबसे पहले सपना तैयार हुए थे। सही में आपको सरप्राइज देना था ना। हाँ, सच में डॉली का सरप्राइज सरप्राइज ही रह गया, सरप्राइज के चक्कर में हमारी मूवी 1-2 मिनट की निकल जाएगी। नहीं निकलेगी, आई थिंक वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलेंगी तब तक। हाँ तब तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। ये तो रहा, यही है ना बेब, इधर ही है ना, ये तो कुछ और है, इसके आगे है। हमने बाइक से आना अवॉइड करा, एक तो हम 3 लोग थे और वैसे भी सिर्फ मूवी देखनी थी, उसके बाद सीधे घर ही जाएंगे, कुछ और करने को है नहीं। तो अभी तो भाग रहे हैं। डॉली कैसा रहा वैसे सरप्राइज, बताया नहीं आपने? थक गए। थक गए? थक गए। भाग भाग के। कहाँ पर है वो, है क्या वेव हो रही है यहाँ से? वेव के लिए कहाँ से भी है, यहाँ से भी है ना, वेव से नहीं यही से ना, ये रहा ये, इस तरफ आइए, हम दूसरी बार आ रहे हैं ना इसलिए भूल रहे हैं। एक सिक्योरिटी वाले भैया से हमने पूछा, भैया हमें बातों में घुमाया जा रहे हैं कि इधर से जाओ उधर से जाओ, सारा सेम है। मैंने कहा भैया शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट जल्दी पहुंचना हमें। कहते आप इधर से जाओ इधर से जाओ, एक जैसा ही है, नाप लो। मैंने कहा भैया हमारा चैनल का नाम है लेट्स काउंट किलोमीटर, बट अभी हम काउंट नहीं कर सकते। यार अगर हमारा चैनल हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है प्लीज सब्सक्राइब करो। 3 मिनट तो अभी तक मेरी घड़ी पे शो कर रहा है कि 3 मिनट हम लेट हैं। क्या लगता है बाकियों को, पक्का ऐसे भागोगे? Yes. हम मोटिवेशन दे रहे हैं एक दूसरे को। ठीक ठीक, जल्दी जल्दी भागो भैया, भैया इसी तरफ है ना? हाँ हाँ इसी तरफ है, भागो जल्दी भाग। पता है लेट 1-2 मिनट लेट एंट्री करो ना तो बाकी वाले ना गालियां देते हैं, वो कहते हैं हमारे ना बीच में आ रहे हो आप। हाँ, हाँ। तो खानी पड़ेगी ये, ये सेकंड टाइम है हम लेट हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम लेट हुए थे हम गए ही नहीं थे, हम घर से ही नहीं निकले थे और आज हम लेट हुए हैं, आज हम आ गए हैं। पर इधर जाना है, चलो गाइस एंट्री मारते हैं उसके बाद देखते हैं, बाय गाइस। हम अकेले लेट नहीं है, ये भी हमारे साथ, ये भी लेट दो नंबर फोन क्या? क्या नहीं ग्राउंड ही है, ग्राउंड ही है, बंद करो उसको। आज लिफ्ट भी ड्रामे कर रही है हमारे साथ, भगा दिया। कैसा सरप्राइज मिला है, सरप्राइज कैसा मिला आपको? भाग भाग के सही नहीं मिला ना, ऐसा लग रहा है सजा मिली है, भाग भाग के सजा मिली है, मूवी नहीं। दिवाली दिवाली बना दे।
ये सारी सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना है। मूवी रिव्यू ले लेते हैं ना ऑडियंस से, जिन्होंने देख के आया जो मूवी। ये हालत हो रखी है इन सबकी मूवी देख के। कैसी थी? कट गई है उसकी। कैसी थी? मस्त थी। पक्का? हाँ पक्का। कैसी लगी मूवी? जोर से बोलो। बहुत बहुत अच्छी। बहुत अच्छी थी। मजा आया बहुत। ऐसी बॉलीवुड नहीं बना सकता ना मूवीज, बॉलीवुड के बस की बात नहीं है ऐसी मूवीज बनाना। दम ही नहीं है उनके अंदर। मजा आ गया। आलिया भट्ट को तो साइड रोल दे रखा था उन्होंने हर दो दो मिनट का। मुझे ना बहुत तब बहुत अच्छा लगा जब आलिया भट्ट का रोल आ रहा था ना, तब हंस रहे थे उसके ऊपर। ऐसा लग रहा था कॉमेडी सीन। हाँ। ऐसा लग रहा था कॉमेडी सीन है कुछ चल रहा है मूवी में। मतलब कॉमेडी सीन नहीं था ना, तो आलिया भट्ट को डाल के उसकी पूरी कसर पूरी करी उन्होंने। सही डॉली अच्छा नहीं लगा? डॉली नहीं यार, अच्छी थी मूवी, बहुत अच्छी थी। मुझे सबसे मस्त रोल लगा जब वो ट्रक लेके घुसता है और उसके बाद सारे जानवर निकल जाते हैं। वो जो बैट फ्लिप मारी थी उसने लटक के, हाँ, वो भी ऑसम था। तो मस्त थी, एक्शन मस्त था। सच एक बार में नहीं मिलेगा देखने को, देखना मूवी में ही मिलेगा देखने को ऐसा एक्शन। सही में यार, अगर इस मूवी का मजा लेना ना तो थिएटर चले जाओ, मूवी देख के आ जाओ। सही में वहाँ बैठे हुए लोग उस मूवी को देखकर ये सोच रहे होंगे काश मैं भी इतनी हिम्मत वाला होता। मैं भी इतना दमदार होता। अरे वो अंग्रेज अगर ये मूवी देखेंगे इंग्लैंड में बैठ के, वो तो सोचेंगे यार मूवी बनाई है तो हमें कीड़े डाला है। दो दी है उसको अंग्रेजों के साथ, ऐसा हुआ है रियल में। दो दी है दोनों सबको ही। सही है। कैसा लगा सरप्राइज डॉली? अब आप कल कौन सा सरप्राइज दे रहे हो? मैं नहीं, भैया को रिटर्न गिफ्ट चाहिए ना। हाँ, रिटर्न गिफ्ट चाहिए। रिटर्न गिफ्ट तो आप भैया, मैं गार्डनिंग करने वाली हूँ, साथ में आके गार्डनिंग कर लेना मेरे। अच्छा हाँ। यार मेट्रो का वेट कर रहे हैं 6 मिनट। हमारी मेट्रो को 6 मिनट है। 6 मिनट अभी और लगेंगे। 3 घंटे 20 मिनट की मूवी थी, पैसा वसूल मूवी थी, पैसा वसूल। मजा आ गया। सही में मजा आ गया। मेट्रो मेट्रो जल्दी यार, साहिल को लेके घर जा। चलो मिलते हैं। पता कितने शॉट लिए थे उसके लिए, कमर वाली, कमर को उठा के कांप रहा था साहिल। लेकिन भैया वो मैंने सोचा था कि वो मतलब आपका रियल नहीं है, मतलब आप दोनों नहीं हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं आप ये, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब आप दोनों नहीं हो। मुझे यही लग रहा था कि आप नहीं हो, कोई और हो। मतलब कितने रीटेक गए हैं भाई उसके लिए, रीटेक और साहिल ऐसे कांप रहा था, ऐसे बॉडी कांप रही थी साहिल। वार्म अप होने में टाइम लगता है, इतने सारे रीटेक किए थे। उस टाइम उनका वेट भी तो ज्यादा था। मेरा वेट ज्यादा था। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ मेट्रो आ गई, घर जाके क्या बनाओगे अब? आलू का कुछ बनाना है, मेरा फास्ट है। इनका फास्ट है, हमारा नहीं है, हम रखेंगे बाद में। यार और मास्क नहीं खाना जा रहा। हाँ क्या लेना? अभी अदरक पड़ी है, सब्जियां भी खरीद के ले जाते हैं। अदरक अदरक तो बहुत पड़ी है यार। फ्रूट खरीद लो कुछ। भिंडी तो खानी नहीं। आपने लड्डू बना दिए थे नारियल वाले? बर्फी बनाई थी, तो मैं टेस्ट करूंगा अभी जाके। आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म कर देते हैं ना, है ना? यार अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो जरूर कर दो यार प्लीज। चलो गुड नाइट, जय माता दी।